चेहरे की गर्मी, जलन और चेहरे का कालापन हटाने के लिए गर्मियों में बस 5 मिनट इसको ज़रूर लगाइए। हेलो गाइस, आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपके चेहरे की गर्मी, आपके चेहरे का पसीना और पसीने की वजह से बढ़ता आपके चेहरे पर कालापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, आपकी त्वचा काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट भी बनी रहेगी। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ इस उपाय को हम कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने लिए हैं यहाँ पर नींबू। लेमन जो होता है हमारी त्वचा के कालेपन को दूर करने में बहुत मदद करता है, साथ ही ये हमारी स्किन से ऑयल और पसीने को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे कि हमारी त्वचा में चिपचिपाहट होना बंद हो जाता है और त्वचा काफ़ी स्मूथ और खिली खिली रहती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों यहाँ पर कर्ड, दही। यहाँ पर आप हैंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी त्वचा को इमोलियंट तरीके से काफ़ी वाइटन अप बनाता है और साथ ही साथ ये हमारी त्वचा से काला मैल निकालने में भी मदद करता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने हैंग कर्ड को यूज़ किया है, तो आप इस रेमेडी में यूज़ करेंगे हैंग कर्ड। दही में विटामिन सी भी होता है, जो कि हमारी त्वचा को साफ और सुंदर बनाने के साथ साथ चमकदार भी बनाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट आपको जो यूज़ करना है ये है हनी। शहद आपको लेना है। शहद आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से नेचुरल तरीके से बूस्ट करने के लिए और आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए हनी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हनी भी यहाँ पर आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर लेना। तो आपने क्या करना है, अपने 2 चम्मच दही के अंदर ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच हनी। इसके बाद गाइज आपने आधे लेमन जूस को इसके अंदर अच्छी तरह से स्क्वीज करना है, अच्छी तरह से इसको निचोड़ दीजिए और फिर इन सभी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आप प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब ये सोल्यूशन आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा तो ये सोल्यूशन आपका यूज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है और अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। आप चाहें तो एक लेमन के छिलके की हेल्प से इसको अच्छी तरह से रब करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से रब करें 5 मिनट के लिए। जब ऐसा लगे कि आपके स्किन से कालापन निकलना शुरू हुआ है तो आप इसको अच्छी तरह से मलमल के रब करते हुए यूज़ करें और आपको लाइटली एंड स्लोली मोशन में आपको इसको रब करना है। उसके बाद ताज़े पानी से वॉश कर लीजिए। ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा। तो ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर शेयर करना।